अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड दोस्तों वाणी, वेलकम टू माय चैनल। आपको कुकड़ की आवाज़ आ गई है क्योंकि आज मैं अपनी मामा की तरफ बैठ के ना वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे जल्दी से वॉइस ओवर कर लूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत पुरानी है। तो जल्दी से पहले मैं नाश्ता कर रही थी घर पर, और आज जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने जो है ना बना लिया था, चाय बनाई थी, साथ में बाकर खानी मंगवा ली थी। मेहमत को फर्स्ट टाइम बाकर खानी खिलाने लगी हूँ, और यहाँ पे जो है मैंने अपने लिए इसी तरह मैं बाकर खानी जो है ना कट करके रखती हूँ। मैं इस तरह डिप करके नहीं खाती, मुझसे ज़्यादा नहीं खाई जाती, मतलब सॉफ्ट वाली ज़्यादा नहीं खाई जाती। तो आज का आपका सारा दिन मैं अपने साथ साथ लेके जाऊँगी बाज़ार में। तो जनाब यहाँ पे हम लोग आ गए थे कुछ मैचिंग शैचिंग करने, और ये मामा के पास कपड़े पड़े हुए थे ऑलरेडी घर में, अभी फ़िलहाल उनकी मैचिंग करने निकले हुए थे। किस चीज़ की तैयारियाँ कर रहे हैं ये आपको मैं इंशाल्लाह आगे वाले आपको व्लॉग्स में पता चलता जाएगा। अब आप लोगों के साथ मैं कुछ ना कुछ ऐसा शेयर करती रहा करूँगी। बहुत अच्छे अच्छे मज़े मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो यहाँ पर देखें जनाब, ये वाली जो ना ये वाले कपड़े ना मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, आई थिंक इसको थाई सिल्क कहते हैं, और ये इतने अच्छे लग रहे थे ना, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपने लिए स्कर्ट बनवाऊं, लेकिन इनके पास ये टू पीस थे और मुझे इस तरह, और इनके प्रिंट्स भी बहुत ही मज़े के लग रहे थे। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे प्रिंट्स निकाल के ये दिखा रहे हैं। तो अभी मुझे तो वैसे यहाँ से नहीं, मैं इनको बोल रही थी कि मुझे दो शर्टें दे दें और एक मुझे इसके साथ दुपट्टा दे दें, तो उन्होंने बोला नहीं जी हमारे पास तो ये टू पीस होता है। अब हमारा माल कब आना है, वो दोबारा और माल कब आना है ये तो नहीं पता, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ ये है। और खुले कपड़े में जो इन्होंने मुझे दिखाया था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये इन्होंने खुला कपड़ा दिखाया था, इस तरह के प्रिंट्स थे तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं थोड़े से शौक से कलर जो के स्कर्ट में अच्छे लगे मैं वो चीज़ देख रही थी, और लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया। ये वाला अच्छा लग रहा था लेकिन ये उतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना लास्ट जो पीछे पिंक कलर दिख गया है ना वो। उसके बाद ये सारे यहाँ पे ना खुले कपड़े की मार्केट थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे सारा विज़िट किया, लेकिन मुझे ये लेलन था, मुझे उसी थाई सिल्क टाइप के कपड़े में कुछ चाहिए था, तो मुझे तो यहाँ पर कुछ पसंद नहीं आया। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करें। तो ये वाला एक कपड़ा लेके आए थे जो कि एक छोटी सिस्टर के लिए लाए थे, और ये आगे क्या बनेगा ये भी आपको आने वाले ब्लॉग्स में दिखेगा। और यहाँ पर ना मामा स्ट्रॉलर्स देख रही थी बहनों के लिए ही, और यहाँ पे मौसम मैं आपको चेक करवाने के लिए बस मैंने यहाँ पे बाहर कैमरा ऑन किया था। मौसम इतना अच्छा हुआ था, शुक्र है जो है ना मौसम अच्छा चल रहा है आजकल। तो ये व्लॉग ऑलमोस्ट बहुत पुराना है, मतलब दो हफ्ते हो गए हैं, तो मैंने आज मामा की तरफ आई, मैंने कहा पहले ये वाला व्लॉग निकालूँ, ये वाली वीडियो निकालूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट कोई वीडियो बनाने के लिए ताकि मेरे फ़ोन में स्पेस बन जाए। और ये यहाँ पे स्टाइलों पे लास्ट डे था सेल का, और यहाँ पे अन्नी मची हुई थी, इतना रश था। और ये वाला जूता हमने लिया था, और तीन जूते लिए थे, और हमारी कोशिश होती है कि जब भी हम मामा की तरफ आए ना तो हम लोग महमत और शावीर को ना पार्क लाजमी लेके जाया करें। अच्छा शावीर फर्स्ट टाइम आया था, महमत को मैं तकरीबन लेके आती रहती हूँ, उसको पता है जब हमने नानों के घर जाना ना तो हमने पार्क लाजमी जाना, इस तरह बच्चों का भी इंजॉयमेंट हो जाता है, पूरा हफ्ता कहीं नहीं निकलते, हफ्ते में एक दफ़ा मामा की तरफ आते हैं। तो फिर मेरी तो यही कोशिश होती है कि थोड़ा सा इन लोगों का महमत को थोड़ा सा मैं बाहर लेके जाऊँ, थोड़ा सा उसका इंजॉय हो जाए, थोड़ा सा वो घूमे फिरे तो माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है। और यहाँ पे शाहवीर माशाल्लाह फर्स्ट टाइम आया था, और इसकी चलाकियाँ चेक करें, इस तरह से इसने एकदम ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा मैं महमत को ऐसे नहीं चढ़ने देती क्योंकि इस तरह से आगे से कोई बच्चा आ जाए ना तो फिर लग जाता है, लेकिन यहाँ पे शाहवीर जनाब ये देखें, मैंने यहाँ पे थोड़ी स्पीड जो है फास्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखें जरा ऊपर चढ़ गया है माशाल्लाह पूरा। और महमत यहाँ पे पॉपकॉर्न लेके ना आया था कि हम लोग पार्क जाके चीज़ भी खाएंगे, हम जब जाते हैं ना तो चीज़ भी लेके जाते हैं ताकि एक पिकनिक टाइप भी हो जाता है और थोड़ा सा बच्चों का रिफ्रेशमेंट भी हो जाता है। और फिर मैं महमत को ना फ्री हैंड दे देती हूँ कि आपने जैसे खेलना है ना आप खेल लो। तो यहाँ पर ये आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाँ मंकी बार कहते हैं इसको, मंकी बार पर ये चल रहा था और कोशिश कर रहा था कि ऊपर जाए, थोड़ा इसको डर भी लग रहा था, बट मैं कह रही थी आपको अगर इजी लग रहा है ना तो आप ऊपर जाओ वरना आप नीचे आ जाओ। तो वो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे आ गया ताकि उसका जो है ना थोड़ा सा डर लग रहा था, आहिस्ता आहिस्ता जब जाता रहेगा इंशाल्लाह इसका डर भी खत्म होता जाएगा। और यहाँ पर देखे थोड़ा और ऊपर फिर दोबारा चढ़ गया क्योंकि छोटी सिस्टर गई थी, उसके बाद ये दोबारा ऊपर थोड़ा सा और चढ़ गया था। तो बस इसी तरह खेलते रहते हैं, और
आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट में लाजमी बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मैंने आपको बताया आगे वाली वीडियो जो आने वाली है वो बहुत मज़े की आने वाली है, और यहाँ पे मैं अहमद को एक्स कर रहा था, और उसको पता है पार्क में जाके एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ऐसा, इसीलिए मैं इसको लेके आती हूँ ताकि जो है ना बच्चे का फ्रेश जो है माइंड फ्रेश हो जाता है। और शाहवीर भी मेहमत की तरफ देख के आया और आके यूँ लेट गया कि उसको लगा अब भाई इस तरह से लेट रहा है बस। तो उसके बाद जनाब यहाँ पे मैं दिखाने लगी थी नाव के, हम लोग बचपन में नाव खाते थे और यहाँ पे मेरी सारी नाव उड़ा ली गई और एक भी पिक्चर नहीं सही तरह लेने दी इन्होंने। तो यहाँ पे फिर मैंने इनसे वापस पकड़ के ना दोबारा पिक्चर ली, मैंने कहा होन खा लो तुसी। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने बस बच्चों के लिए थोड़ी सी हल्की फुल्की चीज़ें ले आते हैं ताकि बच्चे थोड़ा सा खा भी लें, थोड़ा इंजॉय भी हो जाए, थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी हो जाए, क्योंकि पूरा हफ्ता बच्चे जब घर रहते हैं ना तो फिर वो पक जाते हैं, फिर वो हमें पकाते हैं। तो जनाब यहाँ पे उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखें अपना ढेर सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।